ओ भाई ट्रिपल किल भाई, ट्रिपल किल मैन। सो कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस, कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस, कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस, एंड दैट्स द क्वाड्रा किल फॉर एनपी बिनित केडारू। एंड ऐसा मुझे लगता है क्लियर किया है यहां पे गाइस। ओ भाई डैमी क्लच फ्रॉम तूफान वंस अगेन गाइस, एंड ही इज लाइक किलिंग द स्क्वाड लाइक अ किलिंग मशीन मैन। ही ऑलरेडी गॉट गाइस 14 किल मैन, कैन ही गेट 20 किल गाइस, कम बैक कर दी सके केडारू। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दिस इज नॉट, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टिंग केडारू। सडन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ द गेम केडारू, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया गेम का यहां पे भाई। गाइस दिस इज रोस्ट एंड दोस एशियन गेमिंग एंड टेक, एंड स्वागत छ गाइस जो नया वीडियो हेर्नु भन्दा अगाडि लाइक एंड सब्सक्राइब गर्नु होला। एज यू नो मेन्टेनेन्स ब्रेक चलिरहेछ, सबै जना प्लीज शेयर गर्देऊ, सब्सक्राइब गर्देऊ, अनि फेस रिभील पनि भइसक्यो छ फाइनली केडारू। र एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु, सब्सक्राइब गर्दिहालन केडारू, अनि दुईवटा गेम भएको थियो, एउटा चाहिँ उनीहरूले जितेछ एउटा चाहिँ हामीले जितेको हैन, बट बबाल मजा भइसक्यो। यस्तो यस्तो कन्टेन्ट हेर्नु छ र एउटा नया टुर्नामेन्ट आउँदैछ, त्यो खेल्नु छ भने सब्सक्राइब गरिदिइहाल, नभए पछि टुर्नामेन्ट भइसक्छ नि तिमीहरू भन्छौ खै प्लेटफर्म दाई। सो प्लिज सब्सक्राइब गरेर केडाहरू, फेरि पनि नेसनल परोज भर्सेस टिम डी केडाहरूबाट एउटा चेन्ज छ केडाहरू। के चेन्ज छ भने केडाहरू, पिङ्कको ठाउँमा महेन्द्र आएको छन् केडाहरू। अर्को के चेन्ज छ केडाहरू, अर्कोचोटि त्योचोटि गाइज वान नम्बरमा नेसनल प्रोज बसेको थियो, यो चाहिँ वान नम्बरमा केडाहरू टिम डी बसेको छ। नेगी जेर केडाहरू छ, नेगीले केडाहरू छ गाइज, रकर भाइ यहाँ पे डाउन, त्यो गाइज रकरको करेंगे खतम। मुझे लगता है रकर भाइ यहाँ पे अकेले बन्दे बच्चे गाइज, रकरको यहाँ पे डाउन कर दिया गाइज। तो रॉकर को कितने देर तक यहाँ पे, रॉकर भाई नीचे चले गए, रॉकर इज लाइक मैं तो हाथ ना आऊंगा। तो यहाँ पे आई थिंक गाइस रोहन इज बैक केडारू, रोहन इज बैक केडारू, बट ही डजंट, अरे अरे ही कैन टेक अ शॉट केडारू, ही सॉ इन मी एंड ही वांट्स टू टेक अ शॉट केडारू। 20-20 को डैमेज दे रहा है केडारू। सो लेट्स सी गाइस के कस्तो गेम प्ले देखा केडारू। यहाँ पे पिस्टल फाइट केडारू यहाँ पे देखने वाली होगी। आर्यन भाई यहीं पे गाइस, आर्यन मैंने की एक बंदे का और खत्म गाइस। यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन में टीम आ गाइस, 2v3 गाइस, फिलहाल 2v2 ही कह सकते हैं बिकॉज रोहन के पास कोई खास गन नहीं है जिससे वो कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे रोहन के पास ग्लोवाल जरूर है भाई, तो यहाँ पे गन तो जरूर है। अरे भाई पिस्टल से डाउन कर दिया कतई जहर। तो आर्यन इज द ओनली वन, सॉरी भाई तूफान व्हाइट इज द ओनली वन केडारू। यहाँ पे गाइस 1v2 यहाँ पे गाइस 1v1। ओ भाई what the fuck guys, that was a total unexpected guys, and this is the 1v1 situation केडारू जितने गेम पनि के गरेगा केडारू ले, बट यहाँ चाहिँ महेन्द्र ले कुनै गल्ती गरेन केडारू, आफ्नो टीम लाई जित दिलाउँदै केडारू यहाँ हेड शॉट ले केडारू। ओपी ओ कस्टम ऑलरेडी हमारे पहले इंडिया का स्क्वाड ने जीत चुका है भाई, अब हमारे ये दूसरा कस्टम चल रहा है, तो इसमें देखते अगर नेपाल की स्क्वाड जीती है तो जीती है, नहीं तो भाई इंडिया का विनर हो जाएगा आज। सो देखने वाली बात हो गाइस। यहाँ पे रॉकर भाई फिर से डाउन होते गाइस, सो रॉकर फेरी बनी डाउन होते केडारू। सो 3v4 के सिचुएशन में यहाँ टीम आउट केडारू, एंड लेट्स सी गाइस व्हाट विल हैपन इन दिस राउंड गाइस। वी हैव गाइस विनीत भाई के पास 0 kill, अभी तक रोहन के 2 kill गाइस, एंड गाइस रॉकर इज द एमवीपी प्लेयर गाइस ऑल द टाइम फॉर हिज टीम केडारू, बट फिलहाल कुछ फॉर्म में नहीं दिख रहे इस राउंड में, इस कस्टम में। वी हैव गाइस तूफान केडारू, लास्ट राउंड जीता सकते थे अपनी टीम को बट जीता नहीं पाए भाई। यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा डैमेज देते भाई, 8-9 का गिनती तुम्हें आता ही होगा, 9 का मल्टीप्लीकेशन टेबल अगर नहीं पता है तो भाई पढ़ के आना चाहिए था, बिकॉज अगर 9 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पता नहीं था तो तुम्हें कितना डैमेज लगा पता नहीं लगा। बट दिस टाइम गाइस 69 को मल्टीप्लीकेशन टेबल केडारू, एंड 69 × 69 केडारू, नो नहीं 69 × 2 केडारू, व्हाट द 69 हस 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 हस, यति म्यासेज नगर, यति म्यासेज नगर त, यति म्यासेज नगर त है, त्यही त गेमर बक्चोदी गेमर, त्यति धेरै म्यासेज नगर न हुन्छ, त्यो पुरै स्क्रिनमा आउँछ हेर त। सो यहाँ पे 2v3 को सिचुएसनमा टिम यहाँ गाइस, सो लेट्स सी गाइस के गर्छ केडारू। सो यहाँ गाइस हाम्रो आर्यन सोल्टीको 1 kill गाइस, हाम्रो तूफानको 3 kill केडारू, नेगीको 1 kill केडारू, बदमाश नहीं आया ब्रो आज, बदमाश नहीं आया। सो यहाँ गाइस 2v3 को सिचुएसनमा टिम यहाँ गाइस, सो लेट्स सी गाइस यहाँ टिम डिले कमबैक गर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई गाइस, सो टिम डिले कमबैक गर्छ गर्दैन केडारू। यहाँ चाहिँ आर्यनले डाउन गर्दै गाइस, 2v2 को सिचुएसनमा टिम यहाँ गाइस, महेन्द्र रोहनका दामी गेम प्ले गाइस, रोहन चाहिँ यहाँ डाउन छ बट महेन्द्र इज द ओन्ली वन सर्भाइभिङ केडारू। यहाँ चाहिँ ग्लोवालको युज गरेको छन् बबाल, ग्लोवालको युज केडारू यहाँ चाहिँ आफ्नो साथीले बचाउँछ भनेको गाइस। 1v2 को सिचुएसनमा टिम यहाँ मान्छे आइसकेको केडारू, यहाँ चार्ज गर्नुपर्छ सोल्टीले, चार्ज हानेर तल 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 त माटोमा हान, यस केडारू यहाँ क्लियर आउट गर्छ एकजना आदे भनेको ट्राउमा नेगीको ट्रिपल किल केडारू। यार ठिक छ केही छैन केडारू, अब त्यति धेरै भइसक्यो कसले के गर्छ केडारू, मैले तल तल भनिरहेको छु केटाहरू सुन्दैन माटोक्ने होइन, ओबे गइदिरा ल ल ल ल, यत्रो पैसा बर्बाद भन्छ नि केटाहरू, यही भयो गाइस। बट लास्ट सेकेन्डमा केटाहरू ग्लोवालको युज गरेछ गाइस, समिपिए यहाँ डाउन भएको थियो गाइस, बिकज यसको 3 उता छ, एक्लै सोल्टी यता बसिरहेको छ गाइस, अलिकति त्यो कुरा भएन। आर्यन यहाँ 1 गाइस छतमाथि गाइस, आर्यनको गेम प्ले यहाँ आउन सक्छ, आर्यनलाई डाउन गरे गाइस, आफ्नो टिमलाई डाउन गरे, यहाँ ग्लोवालको युज केटाहरू, विनीतको दामी गेम प्ले केटाहरू। विनीतसँग खासै लाइफ छैन गाइस, सो 3v3 को ब्याटलमा टिम आउँदै केटाहरू, विनीत पनि यहाँ डाउन हुन्छ गाइस, सो विनीत पनि यहाँ डाउन भइसकेको छ अलरेडी केटाहरू, आफ्नो टिमले रिभाइभ गर्छ भनेर वेट गरिरहेको छ केटाहरू। रकरले डाउन गरेर गाइस, सो 2v2 को सिचुएसनमा टिम यहाँ गाइस,
ओके विनीतलाई पनि रिभाइभ गर्छ ओके सो विनीतलाई रिभाइभ गरिसकेछ गाइस सो द्याट इज अ गुड गेम प्ले फ्रम गाइज नेसनल प्रो साइड एन्ड यहाँ विनीतलाई रिभाइभ गर्न मान्छे गएको मान्छे पनि डाउन एन्ड रोहन इज द ओन्ली वान केटाहरू एन्ड माथिबाट अलिकति केही पनि ड्यामेज खाएन केटाहरू एकजना डाउन गर्छ भनेको डाउन गरिदिएर ओ भाई बट यहाँ लास्टमा नेगी भाइ बहुत ही ओपी भाइ नेगी भाइ भाइ पछि से इतना अच्छा कभर दिएर आफ्नो टिमको मतलब क्या ही कहूँ भाई रकर ने गाइस यहाँ महेंद्र पनि डाउन गरे टीम डी केटाहरू धेरै एडवांटेज में केटाहरू यहाँ रकर ने डाउन गरे केटाहरू एंड व्हाट अ क्लच गाइस व्हाट अ क्लच भाई व्हाट अ क्लच फ्रॉम विनीत केटाहरू गेटिंग अ डबल किल फॉर हिज टीम केटाहरू एंड गाइस अहिले सम्म होप गरिराछ गाइस 4-2 को सिचुएसन में 2-2 को सिचुएसन ओ भाई ट्रिपल किल भाई ट्रिपल किल मैन सो कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस कैन ही गेट द क्वाड्रा किल गाइस एंड दैट्स द क्वाड्रा किल फॉर एनपी विनीत केटाहरू And what a game, guys! What a quarter kill, guys! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! मतलब CS में यो मानसे opinions यार मतलब custom है यो मानसे ले CS में opinions करा so quarter kill आओ दे guys अपने team को लागी guys अन्य जीत पनी guys हारे यहाँ guys जहाँ पर 3v4 को सिस्टम है guys यहाँ आओ दे guys तो तूफान यहाँ down हो रहे के डारू यहाँ चाहे guys मतलब लाख से team delay comeback कर से करते हैं guys आर्यन यहाँ revive करना आको से अपने team mate लाके डारू but tall exam में फिर सुताई दी से किसे करा रू यार 2v4 को सिस्टम में team आओ दे guys तो team delay यहाँ पर comeback करने वाले कॉलेज के धीरे ने गारो को डाल सकता लग रहा है मतलब आर्यन सुलटी यहाँ एकले से guys तूफान भाई यहाँ पे अकेले और तूफान और आर्यन को ही मिलकर करना पड़ेगा यहाँ पे चार बंदे का सामना और यहाँ पे चार बंदे का सामना कर सकते हैं नहीं कर सकते गाइस यहां पे समपिया भाई बिना किसी डर के ऊपर जा रहे भाई यहां पे ग्लोबल का यूज तो कर ही रहे भाई यहां पे तूफान भाई और क्या करेंगे भाई एक बंदा मुझे लगता है तूफान को भी खत्म कर देगा गाइस यहां पे आर्यन भाई अकेले बचे गाइस सो 1v4 और 1v4 बहुत ही ओपी हो सकता है भाई यहां पे रोहन भाई ने कोई गलती नहीं की और अपनी टीम को भाई जीत दिलाई गाइस स्कोर हो गया गाइस 2-4 के डारू सो के डारू क्वेश्चन कस्टम से बने गाइस डिस्कॉर्ड में एकचोटी आओ तो के डारू डिस्कॉर्ड में के डारू एक किल भी नहीं कर पाए तो रॉकर भाई थोड़ा सा अपने टीम को गाइस साथ नहीं दे पा रहे गाइस एंड वो बहुत ही भाई यहाँ पे समीपिया का पहला किल आते गाइस यहाँ पे मुझे लगता है टीम डी गाइस 2-5 हो सकता है स्कोर गाइस समीपिया थोड़ा सा डैमेज खाते गाइस 3v4 सिचुएशन नॉट अ बैड एट ऑल के डार यहाँ पे रॉकर भाई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रॉकर भाई यहाँ पे फॉर्म में आते आते इनकी टीम ही खत्म हो जाएगी मुझे लगता है नेगी भाई भी यहाँ पे डाउन है यहाँ पे तूफान और रॉकर दो ही बंदे बचे हुए गाइस सो 2v4 का सिचुएशन में यहाँ पे टीम यहाँ रॉकर को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा गाइस अपनी टीम के लिए जीत निकालना पड़ेगा गाइस लेट्स सी गाइस व्हाट विल हैपन गाइस सो रॉकर भाई यहाँ पे गाइस 2v4 के सिचुएशन में टीम यहाँ भाई रॉकर भाई यहाँ पे खत्म हो सकते हैं यहाँ पे डाउन होते रॉकर भाई यहाँ पे गाइस एक ही बंदा बचे तूफान और तूफान ने एक तो हेडशॉट लिया था भाई अपने टीम के लिए गाइस 1v3 सो 1v3 सिचुएशन में तूफान भाई को यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ गाइस यहाँ पे साइड से डैमेज आ रहे गाइस यहाँ पे मुझे लगता है तूफान यहाँ पे होंगे खत्म एलिमिनेट हो सकते हैं मुझे लगता था बट यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुए महेंद्र ने किल निकाला गाइस स्कोर हो गाइस 2-5 के डारू सो नेपाल को टीम को केटार दामी गेम प्ले यहाँ पे हो रहा गाइस इफ यू ट्राई करें यहाँ पे ग्लोबल तो यूज किया बट वो सिर्फ ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन के लिए था बिकॉज ऑब्वियसली गाइस ग्लोबल इज फॉर डिस्ट्रैक्शन के डारू और यहाँ पे सामने से गए नहीं यू वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई सामने से जाऊंगा डिस्ट्रैक्ट करूंगा बट सामने से गए नहीं गाइस तूफान ही जेर के डारू सो तूफान के सामने बंदे और लेट्स गाइस व्हाट विल हैपन के डारू सो यहाँ पे गाइस 1v4 यहाँ पे टीम भी मुझे लगता है कम बैक करेगी गाइस यस गाइस सो टीम डी गाइस कैन ही डू द कमबैक गाइस गाइस टीम डी यहां पे कमबैक होगा गाइस 1v4 यहां पे आर्यन भाई अकेले और यहां पे महेंद्र एक किल निकालते अपने टीम के लिए गाइस और यहां पे नेगी भाई ने किया है काम खत्म गाइस स्कोर हो गया गाइस 3-5 के डारू सो फाइनली टीम डी को कमबैक के डारू सो दामी गेम प्ले उदय के डारू यहां टीम डी बाडा पनी के डारू सो सो लेट्स सी गाइस यहाँ गाइस यहाँ से टीम डी को दामी अरे यार टीम डीले कमब्याक गर्दियो भने गाइस अचम्म हुन्छ केटाहरू यहाँ गाइस टीम डीले यहाँ कमब्याक गरिसकेछ केटाहरू यार अचम्म भइसकेछ केटाहरू यहाँ विनीत मात्र भइसकेछ गाइस विनीतले केही न केही गर्नुपर्छ गाइस महेन्द्र इज द ओन्ली वान केटाहरू यहाँ चाहिँ टीम डीको कमब्याक हुन सक्छ केटाहरू स्कोर भइसकेछ गाइस 4-5 केटाहरू ओ भाइ फ्रम 2-5 to 4-5 केटाहरू क्यान दे डु 5-5 केटाहरू क्यान टीम डी डु 5-5 केटाहरू ये मुझे लग रहा है गाइस रॉकर भाई फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे गाइस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रॉकर भाई को हमारे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा अपने लिए किल यहाँ पे ऊपर से भाई डैमेज दे रहे गाइस यहाँ पे तूफान ले थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियर किया है यहाँ पे गाइस ओ भाई डामी क्लच फ्रॉम तूफान वंस अगेन गाइस एंड ही इज लाइक किलिंग द स्क्वाड लाइक अ किलिंग मशीन मैन ही ऑलरेडी गॉट गाइस 14 किल मैन कैन ही गेट 20 किल गाइस आई थिंक गाइस ही विल बी द फर्स्ट गाय गेटिंग द 20 किल्स इन आवर कस्टम रूम गाइस इफ यू विल गेट द 20 किल्स के डारू Then you'll be the first guy, guys. Can he get the 20 kills, guys? Can he get 20 kills, guys? 20 kill कर सकते हैं? नहीं करेंगे हमारे तूफान भाई. और यहाँ पे तूफान भाई down होते हैं, guys. यहाँ पे score हो सकता है 5-5, guys.
बट यहाँ पे रोहन भाई ने अकेला क्लच दे रहे भाई, और यहाँ पे क्लच देंगे उससे पहले ही डाउन हो चुके गाइज। तो स्कोर हो गया इस 5-5, बहुत ही ओपी वाला कम बैक टीम डी का गाइज। टीम डी ले कम बैक गौर दी सके डारू। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टिंग के डार। सडन अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ द गेम के डार, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया गेम का यहाँ पे भाई। मतलब जीता हुआ गेम अगर हारेंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है टीम के लिए यहाँ पे गाइज। सो व्हाट डू यू थिंक गाइज, इज इट टीम डी हु इज गोइंग टू विन दिस गेस्ट रूम और नेशनल प्रोज के डारू? बिकज यहाँ चाहिए अलग मैं अब चाहिए गाइज, मैं भन्न सक के डारू 19-10 को थी गाइज रेसियो जितने हारने है बट अब सडनली 50-50 को भैस के डारू। एंड अलिकति भन्दा खेरि 60-40 को नै भन्न सक्छु म, बिकज टिम डीले जितिरहेछ अघि देखि गाइज, अनि जसमा रकरले 2 किल निकालेछ अघिको राउन्डमा केटाहरू होइन। एन्ड तुफान केटाहरू 14 किल गाइज, इफ यु गेट द गाइज 20 किल्स गाइज। एन्ड यहाँ तुफानलाई डाउन गर्दै केटाहरू जसरी आए त्यसरी अट्याक गरे गाइज, यहाँ दामी गेम प्ले गाइज फ्रम तुफान केटाहरू। तुफानले गाइज यहाँ राम्रो हान्न सकेन गाइज, विनितको दामी क्लच केटाहरू। एन्ड फाइनली केटा नेसनल पोस्ट पनि यहाँ कमब्याक हुन सक्छ, नेसनल पोस्टले हार मानेको छैन गाइज आफ्नो टिमको लागि केटाहरू, यहाँ चाहिँ सकाउँछ होला गाइज नेसनल परोज केटाहरू यहाँ भित्र चिरिसकेको केटाहरू। यहाँ टिम डीलाई क्लच आने विनितको केटाहरू, अनलिमिटेड एमो वाला गाइज बुलेट लागिसकेको केटाहरू। यहाँ तुफानलाई सकाए केटाहरू 3v4 को सिस्टममा टिम यहाँ गाइज पुरैको पुरै स्क्वाड क्लियर आउट गरेछ गाइज। नेसनल प्रोजको पनि कमब्याक केटाहरू, स्कोर भइसक्यो गाइज 5-6 केटाहरू। दामी गेम प्ले फ्रम नेसनल प्रोज केटाहरू, यहाँ चाहिँ गेम प्ले हुँदै केटाहरू नेसनल प्रोजको साइडबाट केटाहरू पनि अब चाहिँ केटाहरू अब चाहिँ अलिकति फेरि पनि केटाहरू अब रेसियो चाहिँ मिलिरहेछ केटाहरू, अब चाहिँ मलाई लागिरहेछ अब भन जित्छ कि हार्छ, अब के लाग्छ तिमीलाई नेसनल प्रोज जित्छ कि हार्छ जस्तो लागिरहेछ गाइज? होटी थिङ केटाहरू, इजी नेसनल प्रोज इज टिम इन्डी केटाहरू, कसले जित्छ कसले हार्छ केटाहरू? यार थर्ड कस्टम हुन्छ कि हुँदैन केटाहरू? सो विनितको 6 किल केटाहरू, रोहनको 7 किल, समिपियाको 6 किल र महेन्द्रको 9 किल छ केटाहरू, नेगीको 6 किल गाइज, आर्यनको 5 किल र तुफानको 14 किल छ गाइज। तुफानलाई जित्नु पर्नेछ भने यो राउन्डमा एनी हाउ यो राउन्ड जित्नु पऱ्यो गाइज, तुफानले केटाहरू यो जित्नु पऱ्यो गाइज, यो तुफानले यो राउन्डमा केही न केही गर्नु पऱ्यो गाइज। सो तुफान यहाँ जाँदैछ घरको माथि केटाहरू, अभियसली घरको माथि जान्छ बिकज द्याट वाज एक्सपेक्टेड केटाहरू, यो साइडबाट आउने टिमहरू घरको माथि जान्छ केटाहरू। यहाँ चाहिँ ड्यामेज पनि खाइदियो, अरे 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 कति छिटो ड्यामेज खाएको त। तुफान डाउन भयो भने गाइज आफ्नो टिमको एक्सपेक्टेसन पनि डाउन हुन्छ गाइज। सो टिम डीले गाइज एनी हाउ यो राउन्ड जित्न सक्ने आशमा होला केटाहरू। सो आई डोन्ट नो गाइज हु इज गोइङ टु विन केटाहरू। यहाँ चाहिँ दुइटै टिम केटाहरू एकदम माथि गइसकेछ, विनित चाहिँ एकदम धेरै तल छ, विनितले केही न केही दामी गेम प्ले देखाउनु पऱ्यो गाइज। अघिको क्वाड र किल बाहेक केही किल गरे होइन विनितले गाइज। सो यहाँ गाइज समिपियाको 4-4 किल गाइज, महेन्द्रको यहाँ 9 किल केटाहरू, यहाँ महेन्द्रले गाइज आफ्नो किल निकालेछ गाइज, रकरले सकाए केटाहरू यहाँ 3v4 को सिस्टममा गाइज। यहाँ चाहिँ नेसनल पोस्ट गाइज भिक्ट्री लिन सक्छ क्या हो? यस गाइज 2v4 गाइज। सो नेसनल प्रोजको यहाँ भिक्ट्री हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई गाइज, 2v4 गाइज। आर्यन डाउन भयो भने सक्यो गाइज, माथि एकजना गइसकेछ केटाहरू अलरेडी, एन्ड तुफानले डाउन गरिदिइसकेछ गाइज नेसनल प्रोज गाइज। आर दे गोइङ टु विन द कस्टम रुम केटाहरू? यस दे आर गोइङ टु विन दिस कस्टम रुम केटाहरू।